निलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे श्री गुरुपाद पद्म शिल भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज श्री चरण रे दासर अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन। प्रिय सज्जन समस्तंगु यथाजोग्यम अभिवादन नमन। ओढ़णी षष्ठी। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक ऋतु हिसाब रे केतेबेले गरम पोशाक पिंधे, केतेबेले शीत दिन हेले शीत पोशाक पिंधे, वर्षा हेले बरसाती पिंधे। तो भगवान मध्य सही भाई लीला करते। भगवान श्री जगन्नाथ जो भि कहले अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि अव्यक्त लीला को व्यक्त कर अवतरी। तो सी अव्यक्त लीला को व्यक्त करुछंति। सी अप्राकृत हेले मध्य मनीष भलिया प्राकृत लीला करुछंति। तो सही मोर प्रभु जगन्नाथ जेतेबेले चंदन लागी होंती अक्षय तृतीया रे गरम रु रक्षा पाइबा पाई, सही भली जेतेबेले अत्यधिक प्रचंड शीतर मात्रा बढ़ी जाए सेतेबेले प्रभु मध्य शीत पोशाक पिंधती, अर्थात घोड़ी होंती जहाँ को कह जाए घोड़ लागी। यही ओढ़णी षष्ठी अर्थ मार्गशीर मास शुक्ल षष्ठी ठारु महाप्रभुंकर घोड़ लागी हुए, अर्थ महाप्रभु शीत वस्त्र शीत पोशाक परिधान करती। उपर्यंत ना आसंता माघ शुक्ल पंचमी पर्यंत जहाँ कहा जाए बसंत पंचमी। तो प्रभु जगतर समस्त लोक जो भली व्यवहारिकता परिप्रकाश करती शीत ठंडा ग्रीष्म वर्षा, प्रभु मोर से मध्य लीला कर। अच्छा ये जो घोड़ लागी बेस हुए, ये घोड़ लागी जो तैयारी हुए कौथे तैयारी पत्तनी गीत गोविंद बा सूता पाट, ये पाटर तैयारी थाए पूर्व दिन अर्थात शुक्ल पंचमी दिन यह श्रीमंदिर को परिक्रमा करा जाए भोग मंडप रे अधिवास करा जाए रखा जाए थाए। ओढ़णी षष्ठी दिन यह जेतेबेले सकाळ धूप परे परे ई बेश प्रस्तुत करा जाए एवं भगवान को प्रत्येक दिन रे विभिन्न विभिन्न रंग रे घोड़ लागी करा जाए था। ये हुची घोड़ लागी। तो यही घोड़ लागी रे गोटे रोचक तथ्य अच्छी जहाँकि आम भावुवा जे जगन्नाथ सतरे कौन शीत लगुच सतरे कौन ताको घोड़ा होती बा ये गोटे पारंपरिकता नहीं मध्य जगन्नाथ लीला गोटे सम्मित होसतु। जितेबले चैतन्य महाप्रभु जो लीला करुले गंभीरा से महाप्रभु जन पार्षद थे पुंडरिक विद्यानिधि जहाँकि शास्त्र अनुसार चैतन्य भागवतम अंतखंड दशम अध्याय शेष भाग में वर्णित कर यही घोड़ लागी वेश अनुष्ठित हो जाऊँगी। देखुं पुंडरिक विद्यानिधि दर्शन करोड़ लागी को एवं या भितर से देखिले जे नूतन वस्त्र हेले नूतन वस्त्र को शौच करा जाए जल सिंचन कर पवित्र करा जाए बा धुआ है कि भगवान को लगा जाए किंतु एठी कौन सी धुआ ना नूतन वस्त्र आणिकी पूजा पंडा मान सिंहारी सेवक मान बेश कर। अच्छा ताको देखिकी किभली किभली लगे नाई ये कौन भूल हो परंपराटा ठीक नुह एमती मानस पटरे भावना आसी बंधु स्वरूप दामोदर को से कथा प्रकाश करे या कौन ठीक नूतन वस्त्र को बिना धौतरे प्रभु देहरे लागी करिबा यह तो जुक्तिजुक्त नुह हूँ दामोदर कहले जगन्नाथ पाखरे कौन सी नियम काम करिवन एठी नीति अच्छी कौन सी नियम एठी नाई जे कारण सीए रहस्यमय देवता सी रहस्यमय भगवान तांकर लीला होची अप्राकृत
तो सर्व ऐश्वर्यमय भगवान सी तेणु आम साधारण दृष्टि विचार करें तथापि पुंडरीक विद्यानिधि मनरे संतुष्टि हेला नै समय क्रमे दिन जाए राति हेला उभय निज बासभवन को गले राति रे सोइचंती पुंडरीक विद्यानिधि जेतेबेले सोइचंती भोर भोर हवा उपरे एही समय रे स्वप्न रे आसीचंती जगन्नाथ एवं बलभद्र भाई बलराम आसी कुछन हे पुंडरीक तू मो सेवकंकर दोष देखुचु मोर एठी कोनोसी अइठा व्यवस्था मु रखिनी कोनोसी अस्पृश्यता व्यवस्था मु एठी रखिनी कोनोसी जाति भेद मु एठी रखिनी तू मो सेवकंकर दोष देखुचु बदमाश कही कि छोटो चापुड़ा लगेछंती काको पुंडरीक विद्यानिधि पुंडरीक विद्यानिधि हाउलो माउल होचंती नहीं नहीं प्रभु मोर भूल होगा मत क्षमा करतु मत क्षमा करतु मोर भूल होगा आउ दिने दोष देखनी सका उठी ना सेपटे स्वरूप दामोदर आसिकी डाकुचंती अरे विद्यानिधि आम जीवा जगन्नाथ दर्शन जीवा प्रत्येक दिन जानती कौन डेरी ना मु बाहर प्रस्तुत होस्तुत भितर जो माड़ खाई राति गाल जाबुड़ा चिन्ह पांच आंगुली दीपटे बसी गालो पूरा लाले लाल पूरा फुली जाए यहाँ को देखिकी स्वरूप दामोदर कहते भाई ये कौन ये कि अवस्था ये अवस्था केमती हला कहले भाई कौच टे चाल कहते रास्त आज स्वप्ने आसी जगन्नाथ बलराम दुई दंड चढ़ाए ना ही कवि श्राम गाले बाजी आछे जत अंगुलेर अंगुरी भल मते उत्तर करिते नहीं पारी लिखिले वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत रे जे आज स्वप्न रे जगन्नाथ बलराम आसिले दुई भाई माने विश्राम नाही गालो को जाबुड़ा मारुछंती नाही को विश्राम जाबुड़ा मारुछंती गालो रे जतेटा जाबुड़ा बाची सब आंगुली रो चिन्ह गुड़िक गालो रे लागि जाइछि तेणु मु किछु उत्तर दे पारुनि प्रभु मोर भूल हेछु भूल हेछु भूल हेछु आपण को लीला आपण कि ही केवल गोचर जहाँ को ब्रह्मा शिव नारद विरंची मध्य पारंती गणी आपण लीला को किए पार बखान तेणु आपण को लीला ही अमृत तेणु इटि कहिबार कथा होछि सेइ दिनठु पुंडरीक विद्यानिधि निज कृत्य कृत्य मन कले सकाळ चैतन्य महाप्रभु संगे भेट हेले महाप्रभु कहले आहा तुम्हें अहो बड़ भाग्यवान साक्षात भगवान तुमको लीला रे प्रवेश करैछंती जोटी जी भगवान कर जी हस्तर स्पर्श पाई सी साधारण व्यक्तित्व नुहे पुंडरीक विद्यानिधि निजक धन्य धन्य मन करे एवं चिंतन कले प्रत्येक दिन प्रभु आसी एभली मते सिना मारते मुझक धन्य मन करती पुंडरीक विद्यानिधि सीए जे गंगा कूल रोते गंगा को जाती स्नान करने कहीं स्नान कले पाद गंगे लगिज तेणु गंगा हूँ पवित्रमयी तेणु वैष्णव मानक लीला भगवान को लीला बुझा हूँ बड़ कठिन बेपार जे हो तो भगवान आज यो ओढ़ी षष्ठी समय रे मानवीय ढंग से शीत लगी वस्त्र पिंधती जो भाई आम मैने पिंधती तेणु भगवान को आम जदि भल पाइबा निज भलिया निजे जो भि आम भोजन करुं भगवान को भोग लगे भोजन करवा निजे घोड़ी हेले भगवान टे चिंता करवा निजक गरम लगे आम फैन खोजुं भगवान फैन व्यवस्था रखा तेनाली जो लीला भितर आम जदि निजक समाहित करवा दिन ना दिन आम भगवान धाम निश्चित भाव आम निजक स्थानित करवा ये हूँ भगवान लीलार मुख्य रहस्य जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।